हेलो बच्चों। सो आज हम जैसे हमने पहले की क्लास में सीखा था कि इनसाइड आउटसाइड क्या होता है और कुछ चीज़ें सीखी थी। सो आज हम सीखेंगे टॉप और बॉटम क्या होता है। टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे। सो हम टॉप और बॉटम, टॉप मतलब ऊपर, किसी चीज़ को ऊपर रखा है यानी टॉप पे रखा हुआ किसी चीज़ के, और बॉटम मतलब नीचे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में ये जो बॉय है वो टॉप पे है एंड दिस बॉय इज़ द बॉटम। ये जो हमारा प्लेग्राउंड में जो गेम है उसके जो झूला है स्लाइडिंग रोप, इस पे जो झूले पे स्लाइडिंग पे है वो ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है। इसी तरीके से ये दूसरा जो वर्ड है, ये पेड़ है यानी कि ट्री है, ट्री के वर्ड जो है वो टॉप पे है और कैट जो यहाँ है वो कहाँ है, बॉटम में। हमने क्या देखा कि किसी भी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाती हूँ, एक टेबल बनाया मैंने, सच एज कि ये टेबल है हमारा। ये हमारा टॉप हुआ और ये हमारा बॉटम। अब हम आगे सीखेंगे कि यहाँ पे आगे हमें लेशंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए कि हमें कैसे करना है। टिक द टॉप यानी ऊपर की चीज़ों को टिक करिए। तो यहाँ पे टिक द पॉट ऑन द टॉप, टॉप में कौन सा पॉट है, ये पॉट है मतलब कि हमें क्या, कुम्हार जो होता है, मिट्टी का जो मैन होता है, जो कुम्हार होता है उसे कुम्हार मतलब मिट्टी के जो मैन होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसे हम पॉट कहते हैं। सबसे ऊपर पे कौन सा पॉट है वो हमें बताना है। हम यहाँ पे दिस वन पॉट इज़ द टॉप एंड देन टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ये तो सीढ़ियाँ जो है, ये जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ के सबसे बॉटम में कौन है, तो दिस वन इज़ द बॉटम। इसी तरीके से हमने सीखा टॉप और बॉटम। हाँ, एंड नियरर, और अब जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा है नियरर एंड फार्दर मतलब कि नज़दीक और दूर, मतलब कोई भी चीज़ कौन सी पास है कौन सी दूर है। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक द वर्ड नियरर टू द होम यानी नियरर मतलब पास और फार्दर मतलब दूर। तो नियरर कौन सा वर्ड है, दिस वन इज़ द नियरर वर्ड। घर है ये हमारा, ये हट है, हट के पास कौन सा नियरर वर्ड है, दिस वन इज़ द पिंक कलर का जो वर्ड दिख रहा है वो नियरर है। देन द सेकेंड, टेक द फार्दर ऑफ द ट्री, ट्री से सबसे दूर कौन सा, कैट, टेक द कैट फार्दर ऑन द ट्री, कौन सी कैट जो है ट्री से दूर है। ये वन, यहाँ तो रैट है, ये टी, ये दो कैट हैं, दो कैट में कौन सा कैट दूर है, दिस वन कैट इज द फार्दर। दिस वन इज द फर्दर कैट। द सेकेंड वन, ये हमें तीसरा क्या सीखना है, नियरेस्ट एंड फार्देस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे ज़्यादा दूर कौन है। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, ये जो हमारा झूला है, ये स्विंग जो है, स्विंग से दूर कौन सी चीज़ है, ये गर्ल है वो दूर है, और ये नियरर कौन है, ये दिस वन बॉय इज़ द नियरेस्ट टू द स्विंग, ये नज़दीक है, ये
कहाँ पे है? ये झूले के नज़दीक है। सो अब हमें एक्सरसाइज में दिया गया है, टेक द पपी फादर्स टू द ट्री। जो ट्री है हमारा उससे सबसे दूर कौन सा पपी है? सो यहाँ पे फोर पपी हैं, 1, 2, 3, 4। बट सबसे ज़्यादा दूरी टी से सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है? इसकी, क्योंकि इसकी तो फिर भी यहीं पे है, यहीं पे है। फिर ये तीसरा जो है ये भी यहीं पे है, बट सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? दिस वन। सो दिस वन इज़ द फार्थेस्ट पपी। देन नेक्स्ट है टेक द नियरेस्ट टू द वर्ल्ड। सबसे टेक द ट्री नियरेस्ट, जो पक्षी है हमारा जो वर्ल्ड है उससे सबसे नियरर ट्री कौन सा है? तो ये तो दूर है ना, इसका जो डिस हम लोग इसकी लंबाई देखेंगे तो काफ़ी दूर है, ये भी काफ़ी दूर है। बट ये जो पास है मतलब इसकी और इसके जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। सो ये दिस वन इज़ द नियरेस्ट, मतलब सबसे कम टाइम हमें लगेगा, यानी ये सबसे पास है, इसीलिए दिस ट्री इज़ द नियरेस्ट टू द वर्ल्ड। देन ऑन एंड अंडर, हम दूसरा टॉपिक क्या है? ऑन एंड अंडर, अबव एंड बिलो, मतलब किसी चीज़ के, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के कोई चीज़ सर्कल है, सर्कल ये जो हमारा सर्कल ये टेबल होता है ना, इस तरीके से मान लो ऐसा कोई टेबल है, तो इस टेबल के ऊपर क्या है नीचे क्या है? यानी ये ऑन होता है, ये जो होता है ये ऑन होता है, और ये अंडर होता है, ट्री अंडर होता है। और इसी को कहते हैं, ये होता है अबव और ये नीचे जो अंडर होता है वे होता है बिलो। सो अब हम सो ऑन एंड अबव, और सो हमने इतना देखा ऑन अबव एंड अबव अंडर। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें फिगर दिया गया है। सो ये जो फैन, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा टेबल है, तो टेबल के ऊपर ये कैट कहाँ है? ऑन द टेबल। और ये रैट, यहाँ पे नीचे एक रैट दिया हुआ है, ये रैट कहाँ है? अंडर द टेबल। यानी कि कोई भी चीज़ के ऊपर रखी चीज़ को हम ऑन द टेबल कहते हैं, और अगर उसके नीचे रखी है तो वो अंडर द टेबल होता है। अब जैसे ये बंदा, ये जो लड़का है, ये बॉय, दिस बॉय बिलो द फैन। ये जो फैन है फैन के नीचे है ना, ये जो फैन है उसके नीचे बैठा है, बिलो द फैन। ये बॉय, दिस वन बॉय सिट बिलो द फैन। एंड इसके ऊपर कुछ, अगर फैन के ऊपर है ये जो टेबल है, तो टेबल कहाँ है? अबव द टेबल। फैन जो है वो कहाँ है? अबव द टेबल, टेबल के ऊपर है। सो इसी तरीके से हम अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। सो इसी में देखते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर ये फिगर दिया है हमें, तो नियर और फार क्या है? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुआं है जिससे पानी निकालते हैं। तो दिस वन लेडी इज़ द नियर, सबसे नियरर कौन है? ये है। और सबसे दूर कौन है? दिस वन लेडी इज़ द फार, टॉप और बॉटम। ये जो है, ये जो वर्ड है वो कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे बैठी है। अब जैसे आप किसी चीज़ को बोलते हैं ये बॉय है, ये बॉय कहाँ बैठा है? ये जो हमारा बुलकार्ट है उसके ऊपर बैठा है। सो इसी तरीके से हम चेक करते हैं कौन सी चीज़ें नीचे है, कौन सी चीज़ें ऊपर है। जैसे नियर हुआ, फार हुआ, नियर क्या हुआ? नियर मतलब पास। जैसे हम यहाँ पे दिया है ना नियर, नियर मतलब क्या होता है? नियर मतलब होता है पास। और फार मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर, दूर, दूर। इसी तरीके से बॉटम और टॉप क्या होता है?
टॉप मतलब होता है ऊपर, ऊपर। एंड बॉटम मतलब क्या होता है बच्चों? बॉटम मतलब होता है नीचे, नीचे। इसी तरीके से हम बॉटम टॉप क्या होता है ये सीखते हैं। सो अब यहाँ पे हमने नए पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है? शेप्स अराउंड अस। सो हमारे यहाँ पे सीखना है कि कौन कौन सा शेप हमारे आसपास है। सो पुट द शेप इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय द ड्राइंग लाइन। मतलब हमें पिंक और येलो कलर के जो बॉक्सेस हैं उस पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो पिंक कलर के बॉक्स जो हैं क्या कह रहे हैं? पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग लाइन। तो हमको क्या करना है? ये जो लाइन है, ये जो येलो कलर है, तो ये जो पिंक है, ये पिंक, ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है। तो हमें क्या करना है? पिंक बॉक्स में पिंक रखना है और येलो बॉक्स में येलो रखना है। तो दिस वन इज़ द येलो और हमें रखना है पिंक। तो दिस वन इज़ द पिंक, ये येलो, तो येलो, ये हुआ पिंक और ये हुआ पिंक, रेड, पिंक। दिस वन इज़ द पिंक। मैच द सिमिलर शेप इन द ड्राइंग लाइन। अब इसमें मैच करिए सिमिलर क्या क्या है। सो मैच द सिमिलर शेप बाई ड्राइंग लाइन, मतलब सिमिलर क्या क्या आइटम है वो आप करिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये बॉल है। तो बॉल के शेप का क्या है? ये बॉल है, ये है, ये है, घर में हर जगह दिखता है हमें, टोमेटो। टोमेटो इस तरीके का दिख रहा है, बलून टाइप का। इसका जो ये ग्रीन साइड सीड है, ये हमारा ये साइड है, और ये हमारा चौक का जो डब्बा है वो इस शेप का दिख रहा है। सो हमें क्या करना था? मैच द शेप विद द ड्राइंग लाइन। ये सारे जो है शेप्स हैं वो हमने मैच कर लिया, गुड। देन नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कुछ चीज़ें शॉर्ट करनी है। शॉर्ट द शेप बाई ज्वाइनिंग विद द सिमिलर शेप, मतलब कुछ चीज़ें को शॉर्ट करो सिमिलर चीज़ों में देख के। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं, सो यहाँ पे शक्ल में क्या क्या है? ये तो शक्ल है, ये भी शक्ल है, ये भी शक्ल है, ये भी सर्कल है, और क्या है भाई सर्कल में? ये भी सर्कल है, और क्या है भाई सर्कल में? इस टाइप के सर्कल में ये भी है। अब यहाँ पे ये कोन है, तो कोन क्या है? ये हुआ कोन। ये आइसक्रीम वाले क्या हैं? कोन है। सो इस टाइप से हमें बहुत सारी चीज़ों को वो करना है। अब जैसे ये सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर टाइप क्या दिख रहा है बच्चों? ये कैंडल सिलेंडर टाइप दिख रहा है, ये बैटरी सिलेंडर टाइप दिख रहा है जो पहले से हमारा किया हुआ है, ये सिलेंडर टाइप दिख रहा है। अब ये हमारा क्यूब है, क्यूब, ये बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स क्यूब है, ये क्यूब है। अब हमारा सिलेंडर टाइप ये है, ये है। तो इस तरीके से हमें सेम शेप्स को मैच करना है। अब दूसरा दूसरा क्या? मेक द पेयर्स ऑफ द सिमिलर शेप। अब हमें पेयर बनाना है सिमिलर शेप का। यहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिमिलर करना था, वो ज्वाइन करना था, अब यहाँ पे पेयर बनाना है। पेयर मतलब जोड़ा। तो हमें इसका जोड़ा बनाना है। ये सिलेंड्रिकल है, तो दिस वन इज द सिलेंड्रिकल। ये टोमेटो जो है वो इस शेप का बलून टाइप का है। ये जो ऑरेंज ऑरेंज, ये जो ग्रीन फ्रूट है वो सर्कल टाइप का है। ये जो कोन है ये तो हमें पहले से ही हैट पे बना हुआ है। अब ये रहा हमारा कोन टाइप का कुछ, तो ये है हमारा ये। एंड दिस वन इज द विन, ऑन दिस वन इज द दिस, एंड दिस वन इज द क्यूब शेप्स, एंड दिस वन इज द क्यूब शेप। देन इसी तरीके से हमें शॉर्ट करनी है बहुत सारी चीज़ें। अब हम ये जो रोलिंग एंड स्लाइडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रोलिंग एंड स्लाइडिंग क्या होता है।
सो इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मैथ्स मैजिक में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप ऐसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखेगा आपके वीडियो के नीचे, तो आप उसे क्लिक करें। थैंक यू।